शुरू हो गया दबा दो। अपार हर्ष की बात है कि मेरे प्रिय छात्र प्रवीण कुमार प्रणव द्वारा लिखित पुस्तक प्रणव की श्रेष्ठ कविताएं जीवन चक्र प्रकाशित हुआ है और मुझे सौभाग्य है कि यह पुस्तक मुझे समर्पित है। मैं इसके लिए अपने शिष्य को शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। कहते हैं कि जब शिष्य से गुरु की पहचान होती है, संतान से माँ बाप की पहचान होती है, तो उसे प्रगति कहते हैं। और सच में ये प्रगति है कि फारूक अली की पहचान उनके शिष्य प्रणव से हो रही है। किताब में बहुत सारे अच्छे संस्मरण हैं जो TNB कॉलेज में इनके द्वारा छात्र जीवन में बिताए गए दिन हैं, इनके सानिध्य में रहे शिक्षकों की भूमिकाएं हैं, साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी इनकी कार्यस्थली रही है, जीवन के कार्यकलाप रहे हैं, हरिद्वार से लेकर के बांका तक, भागलपुर हस्तिनापुर तक, ये तमाम चीज़ें इसमें अंकित हैं। और आदमी को लिखना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोगों में ये कमी है कि छोटी सी पुस्तिका ही सही, कम पेज की ही सही, हम जरूर लिखें, अपने संस्मरण को लिखें ताकि वो दस्तावेज हो और दूसरे लोग इसको पढ़ करके समझ सकें, जान सकें और आगे बढ़ सकें। हमारे बीच मुंगेर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के बड़ी प्राध्यापक डॉक्टर साहिर राज जमाल साहब हैं, हमारे मारवाड़ी कॉलेज के डॉक्टर आलोका कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर प्रियंका जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऊँचे पद पर पदस्थापित है, सौभाग्य से मेरी छात्रा भी रही हैं। मैं इन सबों का सफाली युवा क्लब में भी अभिवादन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पुस्तिका को पढ़ करके वे भी कुछ संस्मरण लिखेंगे और प्रकाशित करेंगे। मुझे भी प्रेरणा मिली है, मैं भी प्रयासरत हूँ कि अपने संस्मरण को कलमबद्ध कर सकूँ ताकि लोग जान सकें कि जमीन से ऊंचाई कैसे प्राप्त की जा सकती है, चरवाही से विश्वविद्यालय तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें उन्हें शायद स्वप्न लगेगा लेकिन सच्चाई यही होती है। मैं प्रवीण कुमार प्रणव को फिर से शुभकामना देता हूं और तमाम जो हमारे साथी यहां पर आए हैं, मैं सबों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। ताली बजा दो, कहना पड़ेगा। बहुत हो गया, 3 मिनट माफ कीजिए ना।